ओके मैम, ओके बेटा। सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूटी होती क्या है? हम बहुत बार बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना। व्हाट डज इट मींस? मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ना, तो वो बिना ब्रेकेज के ड्रॉ, अगर मैं कह रही हूं ये देखिए, जैसे सिंपल ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, कोई ब्रेकेज नहीं है यहाँ, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर मैं लेमैन को समझाऊं तो मैंने यही कहना है कि ये फंक्शन जी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कॉन्टिन्यू चेक कर सकती हूँ। मान लीजिए ये 6 थी, तो मैंने 6 पे देखा, ये तो फिगर देख के पता चला, बट हर बार हम फिगर देख के नहीं कर सकते ना सर, हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? हम लिमिट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। कैसे? सपोज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी भी पॉइंट पे। मुझे नहीं पता कि ए कौन सा पॉइंट है, वैल्यू 2 भी हो सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। देन लिमिट एक्स, या इफ एंड ओनली इफ वी गेट, इफ एंड ओनली इफ एक्स अप्रोचेस ए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, लेफ्ट लिमिट है ना, कहते हैं कि नहीं कहते, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस ए पॉजिटिव, राइट लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। बस ये डेफिनेशन, लिमिट सॉल्व करनी आपके को, लेफ्ट भी आती है, राइट भी आती है, और एफ ऑफ ए भी निकालना था। हम ऐसे भी लिख देते हैं, हम ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ के बाद। ऑब्वियस है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, सिंपल सी बात समझ आई। एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस कब होता है? किसी पॉइंट पे अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, जरा मैं आपको एक मैथमेटिकली समझाती हूँ, देखिए ध्यान से जरा। मान लीजिए यहाँ ये कोई ए पॉइंट है, सपोज मैंने लेफ्ट से लिमिट अप्रोच किया, मैंने राइट से लिमिट अप्रोच किया, उतनी ही वैल्यू आई जितनी एफ ऑफ ए की थी, तो इसका मतलब यहाँ कोई ब्रेकेज नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई ब्रेकेज होती, ये लो मान लो ऐसे ये ब्रेकेज हुई यहाँ, ऑब्वियस है मैं जब लेफ्ट से देखूंगी तो ये वैल्यू आएगी, राइट से देखूंगी तो ये वैल्यू आएगी, और एफ ऑफ ए पे वो अलग वैल्यू होगी। देखो तीनों वैल्यू सेम डिफरेंट है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। ओके क्या हो गया, डिस, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता हम उसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर बेटा? ओके ये तो मैंने आपको समझाया, हमने अब क्वेश्चन कैसे निकालने, कैसे क्वेश्चन आते हैं, दैट आई विल टेल। ये डेफिनेशन है, ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, ये कोई भी कह दीजिए। हमने देखना है कि लेफ्ट और राइट अलग अलग ले कि सीधा एक ही ले, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। जैसे लिमिट में अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो लेफ्ट राइट अलग अलग होता है, नहीं है तो सिंपल लिमिट लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। आई एम रबिंग स्टेटमेंट नहीं में, चलो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो है ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3 6 एक्स इक्वल टू 3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 3। हमेशा पॉइंट जरूर बताया जाता है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, मुझे कहा चेक करो, एग्जामिन करो कि ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पर आप
ऑफ राइटिंग नॉर्मली बच्चों की गलती होती है, तो मैं वही आपको चीज बता रही हूँ, हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन. ठीक है, सोल्यूशन देखिए, आप लिखोगे फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस, आपने लिखना है कि कॉन्टिन्यूस होने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू थ्री. अब देखो कोई मुझे लेस देन ग्रेटर देन दिया, इसमें कुछ नहीं दिया, नॉट इक्वल टू इक्वल टू वाला, इसका मतलब हम सिंपल वाला पहली डेफिनेशन लगाएंगे, दैट इज फॉर दिस टू बी कॉन्टिन्यूस लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ थ्री होना चाहिए. ठीक है, अब सॉल्व करें जो मेरे पास हो, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री, फंक्शन क्या है मेरे पास लिमिट के लिए, नॉट इक्वल टू वाला लेते हैं ना, हमने ये लिमिट में किया था ना, बुक का ही क्वेश्चन था हमारे पास. तो अब मैंने यहां पर फंक्शन की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, वो कितना है सिक्स. अब बेटा मेरे पास हो गए, यहां पर कैसे सॉल्व करें आगे, अब बाकी काम खत्म, अब सिर्फ लिमिट का काम है, सिर्फ ये एक वर्ड लिख एक लाइन लिखने का हमारा कॉन्टिन्यूटी का काम होता है, बाकी लिमिट का काम. अभी इसको सॉल्व करना, हम क्या करते हैं पहले लिमिट पुट करके देखते हैं, वो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है, तो क्या करेंगे लिमिट का कोई फैक्टराइजेशन हो रही है ना लिमिट की, तो हम करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस मेरे पास थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री. ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है सिक्स है, तो दैट इज इक्वल टू सिक्स. अब लिमिट दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, इसको सॉल्व करो तो मेरे पास थ्री प्लस थ्री इक्वल टू, हम नीचे नीचे लिखते जाते हैं ना, दिस इंप्लाइज सिक्स इज इक्वल टू सिक्स विच इज ट्रू, दोनों साइड बराबर है, तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री. कई बार नहीं भी होता, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं भी आती है बेटा. ओके, सबको बात समझ आई, थम्स अप कर दो इफ इट इज क्लियर टू यू, हमने क्या किया है ना, मुझे पता चले कितने बच्चों को समझ आई है, बस वही 4-5 बच्चों ने देने हैं. यस 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 यस, गुड, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और करते हैं. तो व्हाट दे हैव रिटन लेट अस सी, चल राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. हाँ जी बेटा, राइट डाउन द नेक्स्ट. मेरे पास जो है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, वी हैव टू चेक, लिखिए डिटरमिन द और डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी मेरे पास जो है ऑफ अ फंक्शन of the function f of x mere paas jo hai at x is equal to 0 pe check karte hain. Chalo at x is equal to 0 pe chaliye at x is equal to 0 barabar. अब क्या लगाएंगे, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पर मेरे पास जो है यहाँ लेस देन जीरो पे ग्रेटर देन जीरो पे अलग अलग फंक्शंस होंगे, है ना, लेस देन जीरो पे टू माइनस एक्स है, ग्रेटर देन जीरो पे जो है वो टू प्लस एक्स है, तो क्या करेंगे क्या लिखेंगे, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस कहाँ पर, कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, उसी पे चेक करने को कहा, क्या होना चाहिए. अब यहाँ लेफ्ट जीरो राइट जीरो अलग अलग है, तो हम वही वाला लगाएंगे, लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट
should be equal to f of z. अब ये तीनों चीजें आएंगी, ओके? अब चाहे आपकी मर्जी होती है, आप अलग अलग निकाल लो, ठीक है, या इसी के नीचे नीचे देख लो, एंड में इक्वल आते हैं कि नहीं, पर लिखना जरूर होता है विच इज ट्रू, ओके? तो दिस इंप्लाइज, मैं इसी के नीचे नीचे करती जाती हूँ, एक्स अप्रोच जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से कम, फंक्शन है टू माइनस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टू से बड़ा, और जीरो से बड़ा तो टू प्लस एक्स, और एफ ऑफ जीरो, जीरो पुट करूंगी तो आंसर कितना आएगा, टू, ओके जी. अब दिस इंप्लाइज मेरे पास हो गए लिमिट, ये जीरो, इसके सॉल्व कर दू साथ ही, जीरो नेगेटिव तो सिलेक्शन के लिए होता है ना, नेगेटिव खत्म हो गया लिमिट का, याद हो जीरो पुट करना, तो टू माइनस जीरो, इधर जीरो पुट करो, जीरो प्लस टू, इधर टू, क्लियर कट है, टू इक्वल टू, टू इक्वल टू टू, विच इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, किसी में किसी क्वेश्चन में मान लो इधर जीरो आ गया इधर टू आ गया, तो आपको कि विच इज नॉट ट्रू, यहाँ ट्रू है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. बात समझ आई सबको, ओके? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, मेरे पास जो है एग्जामिन द फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, एग्जामिन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मेरे पास जो है थर्ड क्वेश्चन कर रहे दैट इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस फोर एक्स बाय एक्स जीरो, x not equal to 1, x equal to 1 for continuity at x is equal to 0. अब मुझे इसकी continuity check करना है. Examine the continuity of this function at x is equal to 0. करना तो कोई less than greater than नहीं है ना, तो simple simple में तो लगेगी, क्या लगेगी यहाँ पर, कि for मैं इधर for f of x to be continuous at x is equals to 0, limit x approaches 0, f of x should be equal to, मेरे पास तो है f of z. अब पता चला किस में लेफ्ट राइट लेना है, किसी में सीधा ले लेना है, क्योंकि यहाँ कोई लेफ्ट राइट में हो ही नहीं. अच्छा एक और बात, मैंने कुछ स्टेटमेंट में मुझे लगता है यहाँ जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो पे हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करेक्ट कर लो बेटा. चलिए अब लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स वन माइनस कॉस फोर एक्स बाय एक्स और एफ ऑफ जीरो. देखो एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन क्या है, जीरो मैंने लिख दिया, ठीक है. अब नेक्स्ट, अब मैंने इसको सॉल्व करना है ना, ये ट्रू आना चाहिए. अब आपको ये लिमिट सॉल्व करनी आती है किसी को, कैसे करेंगे, 1 minus cos 4x by x. Anybody? Raise your hand and tell me how to solve this limit. Jaldi, jaldi. Okay, Samriddhi. Yes, Samriddhi. Ma'am, pehle 1 minus cos 4x pe toh formula lag jayega 2 sin square x ka, minus 2 sin square x ka. Shayad. Minus 2 sin square half of the angle toh 2x ban jata hai. By जो है मेरे x है, x है, फिर उसके बाद मैम फिर sin a by a equal to 1 होता है मैम, तो उस हिसाब से अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा. क्यों, ऊपर sin square है बेटा और नीचे x है, x square थोड़ा मैंने लगाया, मैंने x square तो लगाया ही नहीं, जिसके कारण ये फॉर्मूला सीधा स्केयर स्केयर होता तो फॉर्मूला सीधा लग जाता ना, तो मैं कहती भी स्केयर नहीं है ना मेरे पास यहाँ पर, ओके? तो क्या करूंगी, नीचे एक्स स्केयर बनाने के लिए मैं एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, ठीक है. मैंने एक्स
से ये मल्टीप्लाई किया, नहीं ऊपर न्यूमिनेटर में, नीचे ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये साइन स्क्वायर टू एक्स हो गया और मुझे टू एक्स चाहिए, तो यानी मैं टू से नीचे अगर मल्टीप्लाई किया वो टू का स्क्वायर है, फोर बना नीचे तो ऊपर भी मैंने फोर, क्योंकि कॉन्स्टेंट को मैं लिमिट के बाहर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो फोर ये भी ले लेते हैं, चलो एट लिमिट एक्स, एक्स को बाहर नहीं लिख सकती क्योंकि इसको लिमिट अप्रोच कर रही है, तो ये मेरे पास बचा एक्स और मेरे पास बचा साइन टू एक्स बाय टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास हो गए इधर इक्वल टू जीरो, वो चली जा रही है, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू जीरो और ये तो होगी वन, अब ये वन नहीं और इधर हो गया जीरो, तो जीरो इंटू वन जीरो, ये जीरो है उधर भी, आपने एक स्टेप में लिखना तो आप जीरो इंटू वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू जीरो विच इज ट्रू, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, क्लियर। कोई यहां पर किसी को डाउट, किसी को भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटे, चले आगे। चलिए लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो करवाने लगी हूं ना, ऐसे के की वैल्यू निकालना बोर्ड क्लास में प्लस टू में पक्का आता है क्वेश्चन, के लैम्डा कुछ भी जिसमें फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया है और एक फंक्शन में से कोई अननोन वेरिएबल होगा वो निकालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, सो दैट एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज गिवन टू यू, मेरे पास जो है वन माइनस कॉस जो है वन माइनस कॉस फोर एक्स ओवर एक्स एट एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर के एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये रियल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के बिलोंगिंग टू आर इज कॉन्टिन्यूस या सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, पूरी कर लो उसको एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मुझे के की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे दिया ना इसका मतलब कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बेटा तो फिर क्या करेंगे, मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि यहाँ कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है बेटा, नो लेस देन ग्रेटर देन इज देयर, ओके बेटा। तो अब लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स वन माइनस, अब तो बस लिमिट का ही काम है ना, और एफ ऑफ जीरो, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू की, मैंने आपको पहले ही बोला था ये कोई मुश्किल नहीं है, लिमिट का ही काम है, अब इधर तो के ही चलेगा, इसको ही सॉल्व करना है, करना ना, तो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, अभी भी ऐसे ही हमने किया हाफ एंगल का टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल टू एक्स ओवर जो है एट एक्स स्क्वायर, अब मुझे 2x इधर एंगल में है ना, तो नीचे भी 2x चाहिए का स्क्वायर, मतलब 4 चाहिए, मैं 4 यहां से, ये तो पहले ही कट गया, तो मेरे पास यहां पर क्या बना बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x बाय 2x का होल स्क्वायर, देख लीजिए इधर इक्वल टू k, अब हमने ये किया हुआ है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स बाय एक्स वन होता कि नहीं होता, किया कि नहीं लिमिट्स में सबने, फर्स्ट वाली लिमिट्स याद है ना, हाँ, तो दैट मींस कि यहाँ वन का स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वन, बात समझ आई सबको बेटा, एनी डाउट टू एनी वन बेटा, किसी को
अभी जितने मैंने 4-5 क्वेश्चंस करवाए, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, जल्दी जल्दी। ठीक है, चले आगे, चले चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अननोन वेरिएबल वाला ही करते हैं। चलिए, फाइंड द लैम्डा, फाइंड लैम्डा सो दैट एफ ऑफ एक्स, जो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वन, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, और यहां लेमडा एक्स इक्वल टू माइनस वन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी कौन बताएगा मुझे कैसे करें, जल्दी रेज योर हैंड टू टेल मी, पार्टिसिपेट करो फटाफट। नो वन, अबे अनम्यूट करो बेटा, अबे अच्छे बच्चे बना करो फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके अदिति बेटा, नहीं भैया तो कोई बात नहीं, अब डिस्कस तो करेंगे हम। यस अदिति, ये समझोगे नहीं, ये पता है 4 नंबर का इक्वेशन आना ही आना है कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में से, फिर आप समझ नहीं रहे हो, आंसर नहीं दे रहे तो फिर मजा क्या आएगा। आशीष अनम्यूट तो करो एटलीस्ट, कि मैम बुला रहे हैं। आशीष हाँ जी, चलो आशीष मुझे बताइए बेटा कि कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बताइए बेटा क्या कर रहे, और कोई बच्चा बताना चाहता है, एनी अदर स्टूडेंट? टेल मी। ओके आशीष ने नहीं, चलो गुरजोत आप बताओगे बेटा, गुरजोत अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। चलो काव्या आप बताइए, चलिए काव्या स्टार्ट कीजिए। यस मैम, सबसे पहले हम लिमिट x इक्वल्स टू माइनस वन पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। पहले लिखना कि फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूज लिमिट x अप्रोचेस माइनस वन एफ ऑफ x शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। ठीक है ना, ये पहला स्टेप सबने बोलना है, फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूज, क्योंकि कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है कि मैं लेफ्ट और राइट अलग अलग बना। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेज वन नेगेटिव जो है इसका फंक्शन ये वाला है ना, x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन, ये एफ ऑफ वन के इक्वल माइनस वन के इक्वल लैम्डा है। अब इसकी लिमिट सॉल्व करनी, बता सकते तुम गुरसीरत, अर्शदीप, दिव्यांशी, श्रेया, कोई बता सकते कैसे लिमिट सॉल्व करें इसकी? जल्दी जल्दी बेटा, लिमिट भूल गई। How to start, Arshdeep? How to? Yes, ma'am. ये limit कैसे Arshdeep solve करें? Ma'am पहले quadratic equation में उसे solve करेंगे पहले। Solve मतलब factorization, उसके factors बनाएंगे। बिल्कुल correct होंगे। तो क्योंकि मैं सीधा minus one put करती हूँ ना, तो ये zero by zero form बन जाती है। Factorization. हाँ जी, फैक्टराइजेशन किया तो लिमिट x अप्रोचेस माइनस वन, इसके फैक्टर्स बनेंगे x जो है प्लस वन और x x माइनस थ्री, माइनस थ्री चेक कर लें, अगर मैं इनको करूं तो माइनस टू बिल्कुल करेक्ट है बेटा, और नीचे x प्लस वन और दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ये कट गया ना खतरे वाली प्रॉब्लम। तो अब मेरे पास क्या बचा, x माइनस थ्री, x की जगह पे माइनस वन पुट करो, माइनस वन माइनस थ्री लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर।
किसी को भी डाउट है आप पूछोगे नहीं तो बेटा मजा नहीं आएगा, है ना। पूछो कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगर कोई गलती भी होगी तो डजंट मैटर, ट्राई टू पार्टिसिपेट। गुरसिरत क्लियर है बेटा? आशुतोष, आशुतोष इज इट क्लियर टू यू? ओके गुरसिरत, गुड। चलिए और क्वेश्चन करें, अब हम लोग जो गए लेट अस डू मोर क्वेश्चंस, ठीक है, रिलेटेड विद दिस। मेरे पास जो है हम ट्रिग्नोमेट्री की भी कॉन्टिन्यूटी वाले कर सकते हैं। चलिए, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इज द फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, मेरे पास जो है इस क्वेश्चन में पहले फंक्शन में लिख के दिखाती हूँ, ओनली देन आई विल टेल यू कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो है लेट अस सी द स्टेटमेंट, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन मुझे दिया हुआ है वन माइनस एक्स पावर एन ओवर वन माइनस एक्स, और इधर गए बेटा एन माइनस वन, सेकेंड में एन माइनस वन एक्स नॉट इक्वल टू वन, और यहां पर एक्स इक्वल टू वन, वेयर उन्होंने कहा है एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज इट कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू वन। हाँ जी बेटा जतिन और आशुतोष, कोई वॉइस में प्रॉब्लम है मेरे? अगर बताने के लिए किया है तो वीडियो ऑन कीजिए पहले आज, क्योंकि फेक आईडीज आर कमिंग। इफ यू वांट टू से एक बार फेस दिखा दो फिर मैं तभी मैं अनम्यूट करूंगी। अनम्यूट तो करो बेटा। यस समृद्धि। यस मैम, आपकी वीडियो भी ब्लर आ रही है और आवाज भी बफर कर रही है। ओके ओके ओके। हाँ जी जतिन, यस बेटा, हम वीडियो अभी भी थोड़ी थोड़ी ब्लर है। कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ, दोबारा हो जाएगी सेटिंग बेटे, डोंट वरी, ठीक है। लीजिए ओके। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो मैं क्या करूंगी बेटा, फिर वही लिमिट एक्स अप्रोचेस वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ वन, ऐसे लिख दे, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मेरे पास होंगे लिमिट x अप्रोचेस वन वन माइनस एक्स की पावर वन एन वन माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन सीधे ही लिख देते हैं एन माइनस। अब अगर बाय चांस पेपर में आपको या कभी टेस्ट देते हुए यू फॉरगेट द फॉर्मूला ऑफ लिमिट, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तो मैंने आपको आगे भी कहा था हम एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऊपर अलग डेरिवेटिव, नीचे अलग डेरिवेटिव, अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, मैंने देखा ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, ऊपर का डेरिवेटिव लिया एल हॉस्पिटल रूल से, जब मैंने ऊपर का डेरिवेटिव लिया तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और नीचे का डेरिवेटिव लिया तो माइनस वन, ये और ये चला गया, ये एन माइनस वन इधर आ रहा। अब तो कोई लिमिट की प्रॉब्लम नहीं ना, अब तो सीधा तुम एक्स की जगह जीरो पुट कर सकते हो, जब जीरो की पावर कुछ जीरो, इधर जीरो आया इधर एन माइनस वन आया, विच इज नॉट, मेरे पास जो है उन्होंने मुझे डिस्कस करने को कहा था कॉन्टिन्यूटी है क्या नहीं है, तो आपको विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू थोड़ा है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि एक साइड पे जीरो आ रहा है दूसरी साइड पे एन माइनस वन आ, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। पता चला बेटा?
क्लियर, सबको बात समझ आई कि इसमें वो कॉन्टिन्यूस नहीं, आप उसको डिसकॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, ओके, डिसकॉन्टिन्यूस भी हम कह सकते हैं। चले और क्वेश्चन करें तभी आपको क्लैरिटी होगी। चलो राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जो है स्टेटमेंट लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x ओवर 5x, ये नोट कर लीजिए, डिस्कस हम कल कर लेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो एंड k इफ x इज इक्वल टू जीरो, ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करना, k की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं कल कितने बच्चे निकाल के लेके आते हैं, ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।